पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो फिलहाल की स्थिति में पूरे मध्य प्रदेश में 1,30,088 मरीज़ कोरोना संक्रमित हैं। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 2,041 नए पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं और पूरे मध्य प्रदेश के संक्रमण के दौरान अगर मौतों की बात करें तो तकरीबन 2,336 मौतें पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। उसी के साथ इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे टॉप पर कोरोना संक्रमण में है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ा है कहीं ना कहीं प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती नज़र आई है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने काफ़ी अच्छे इंतज़ाम यहाँ पर कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए किए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो कल जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा था कोरोना नए मरीज़ों का, तकरीबन 495 नए मरीज़ कोरोना संक्रमण के मिले थे, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा इंदौर का कहा जाएगा और पूरे मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा सबसे बड़ा आंकड़ा जो है इंदौर का, ये 495 मरीज़ों का है। उसी के बाद हम बात करें पूरे शहर की तो तकरीबन पूरे शहर में 25,000 के करीब हम लोग अब पहुंच चुके हैं कोरोना संक्रमण के मामले में। अभी यह रफ्तार लगातार जारी है। जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं उनका यह मानना है कि ये जो आंकड़ा है ये काफ़ी बढ़ेगा अभी और संक्रमण में कोरोना का जो संक्रमण है उसमें और पीक पे आएगा। अभी इसकी शुरुआत है और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है और कोरोना मरीजों से कोरोना संक्रमण से जो मौतें इंदौर में हुई है वह भी काफ़ी ज़्यादा मौतें हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर ही एक ऐसा शहर है जिसमें तकरीबन 578 मौतें कोरोना संक्रमण के दौरान अभी तक हो चुकी है और लगातार यह सिलसिला जारी है। रोज़ डेली कम से कम 7 से 8 मौतें यहाँ पर कोरोना संक्रमण के दौरान हो रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंदौर में जो मरीज़ों के स्वस्थ होने का आंकड़ा भी काफ़ी अच्छा है। 19,825 मरीज़ इंदौर में कोरोना संक्रमण से अभी तक निजात पा चुके हैं, यह कोरोना की जंग जीत चुके हैं और अपने घर स्वस्थ होकर पहुंच चुके हैं। अच्छी दर है, लेकिन उसके बावजूद जो रोज़ नए पॉजिटिव मरीज़ों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं इंदौर में जो निजी अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, उन पर दबाव है, लेकिन उसके बावजूद इंदौर में होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था प्रशासन ने की है काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और होम आइसोलेशन में लोग स्वस्थ होकर अपने घरों में ही स्वस्थ होकर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक होम आइसोलेशन में किसी की मौत देखने को नहीं मिली है। इससे यह जाना जाएगा कि जो इंदौर में कोरोना संक्रमण के दौरान होम आइसोलेशन में जो दवाइयां दी जा रही है, जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका पालन इंदौर के लोग कर तो रहे हैं, लेकिन अभी भी यह जो संक्रमण है इंदौर में लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। मास्क की बात करें, सैनिटाइज की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो लोग कर रहे हैं कोशिश, लेकिन यह पर्याप्त अभी तक नहीं नज़र आई है इंदौर में, क्योंकि अगर यह पूरा पालन इंदौर के लोग करते हैं तो इस प्रकार का संक्रमण जो हमारा इंदौर में तेज़ी से बढ़ रहा है वो फिलहाल की स्थिति में नहीं बढ़ता। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।